एसपी साहब श्री वरिंदर विज जी ने आदेश दिए हैं कि भी एनडीपीएस एक्ट किसी भी सूरत में बिगड़ ना जाए, तो इस संबंध में सीआईए की भी ड्यूटी लगाई हुई है। तो सतपाल सब इंस्पेक्टर और मेरी टीम ने कल नाकाबंदी खानपुर के पास करके और सूचना मिलने पर एक ट्राला जो प्याजों से भरा हुआ था को रुकवाया, जिसमें ड्राइवर का नाम पता पूछने पर गुरमीत सिंह वासी समाणा व बुट्टा सिंह क्लीनर वो नया गांव का रहने वाला बतलाया, जिसके बारे में शक होने पर उनको नोटिस वगैरह कानून प्रक्रिया के अनुसार दिए गए। मौका पर श्री डीएसपी श्री प्रमोद कुमार को मौका पर बुलाया गया, जो ट्राला के अंदर करीब 25 टन 450 कट्टे प्याज थे, जो उसमें 4 कट्टे चूरा पोस्ट डोडा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन करने पर करीब 80 किलो हुआ है और दोनों को मतलब गिरफ्तार किया गया है और मुख्य कब्जा पुलिस में लेकर जो दोषियों को पुलिस रिमांड दिया जाएगा। असल जहां से बुक्की लाए हैं उसको पकड़ने के लिए आज पुलिस रिमांड दिया जाएगा। सर ये कहां से लेके आ रहे थे, कहां लेके जाना सर, कितनी कीमत? ये महाराष्ट्र से प्याज इन्होंने लाते थे, उसके बाद इन्होंने एमपी से मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से मल्हारगढ़ कोई कस्बा पड़ता है वहाँ से एक होटल से मतलब इन्होंने वो खरीदी थी और ये परचून के हिसाब से अपने जाके पटियाला में समाणा में वहाँ जाके अपने ये पंजाब में भेज देते थे। तो जैसे कि इसकी कीमत कितनी बताई है? अब यहाँ वहाँ से जैसे 2000 रुपये किलो लेते हैं तो यहाँ आगे 4500-5000 रुपये किलो ये परचून में बेचते हैं। तो जैसे कि पंजाब में नशा बढ़ रहा है लेकिन हरियाणा पुलिस में पूरी स्टिक है कि हरियाणा से आप नहीं गुजरने देते, ये सब कैसे करते हैं लोग? ये हमारे को सूचना इकट्ठी करनी पड़ती है, सूचना इकट्ठी करते हैं। एसपी साहब ने क्लियर आदेश दिए हुए हमारे को भी अगर कोई भी मतलब एनडीपीएस के बारे में पूरी हर मुलाजमों को बताया जाए और सख्ती से इनके साथ निपटा जाए, बीच में कोई कोताही ना हो।